गुरु नानक, धन गुरु नानक, जन्म साकी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाला वाली, छोटे गुरु पुत्रों का बलिदान। जब गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर से चले तो उस समय गुरु पुत्र जोरावर सिंह की आयु 8 वर्ष और छोटे पुत्र फतेह सिंह की आयु 6 वर्ष की थी। आप दोनों बड़ी माता गुजरी के साथ अपार धन राशि लेकर अपने घर के रसोई ब्रह्म गंगू के साथ उसके नगर खेड़ी में आ गए। उस गंगू ने माताजी का धन तो स्वयं हजम कर लिया और नजम सरंत को खबर करके माताजी जो और गुरु पुत्रों को पकड़वा दिया। सुबह सरंत ने माताजी को ठंडे बुर्ज में बंदी कर लिया। फिर सुबे ने कहा कि यदि तुम मुसलमान हो जाओगे तो बचे रहोगे, नहीं तो बहुत ही बुरी मौत मारे जाओगे। साहिबजादों ने गरज कर कहा, अरे नीच, हम गुरु गोविंद सिंह जी के प्रिय प्रियत्र तथा गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र और एवं गुरु कलगीधर गोविंद सिंह जी के पुत्र है। वह कौन सी शक्ति है जो हम पर अपना प्रभाव डाल सके तथा हमारे पवित्र धर्म को हमसे ही छीन सके? सवाल जीवन के लिए प्रतीत होकर मरना कायरों का काम होता है। यह मुंह तोड़ उत्तर सुनकर सुबह सरन ने हुक्म दिया कि इन दोनों को दीवार में चुना कर मार दिया जाए। बस उसी समय दोनों गुरु पुत्रों को दीवार में चिनवाना प्रारंभ हो गया। जब दीवार पेट तक आई तब फिर सुबह ने कहा, यदि मुसलमान हो जाओगे तो तुम स्वतंत्र जीवन जी पाओगे, वह प्रसाद की जाओगी। मगर वह पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी के थे। वही करार उत्तर तथा पहले से भी कुछ तेज उत्तर सुबह को मिला। फिर दीवार चिन जाने लगी। जब दीवार कंधे तक आई तब फिर सुबह ने कहा, हे बालको, अब भी समय है। बस मुसलमान बनकर अपने प्राण बचा लो और शाही मान प्राप्त कर लो। उधर से फिर इनकार हुआ। तब गुरुपुत्र ने कहा, अरे पापी, यह वृथा की बकवास बंद कर तथा जो पाप तूने करना है उसे शीघ्र पूरा कर। वह देख मेरे भाई जी मुझे अपने निकट बुला रहे हैं। तेरे पाप को देखने से महान पाप लग रहा है। उधर माता ने सुना कि मेरे पुत्रों के दुलारों की दीवार में चुनाई जा रही है। तब माता गुजरी जी ठंडे बुर्ज से छलांग मार कर अपने प्राणों को पति चरणों में ले गई। उधर गुरुजी ने बच्चों को दीवार में चुने जाने तथा पूज्य माता का बलिदान सुना तो फुरमाने लगे, हे संगत, वे मरे नहीं, वे तो सदैव के लिए अमर हो गए हैं। जब तक संसार में चंद्र सूरज है तब तक उनके पवित्र नाम पर पुष्प वर्षा होती रहेगी और पापी सुबह सरंद अथवा गंगू जैसे के नाम पर संसार थूकेगा। जो धर्मात्मा धर्म के ऊपर नौचावर होते हैं उनके नाम की रक्षा धर्म करता है। सूबेदारों को सुरबीर मरते आए हैं परंतु इन पापियों ने निर्दोष बच्चों का वध किया है। इनको एक दिन पश्चाताप अवश्य ही होगा। इसका फल यह होगा कि पापी जालक राज्य शीघ्र ही नाश हो जाएगा तथा इधर की ईंटें सतलुज से पार ला लेगी। गुरुजी के शब्द पूर्ण हुए। सरन की ईंट से ईंट बज गई तथा अंग्रेज ने सरन के महलों की ईंट फरोख की जो इधर आ लगी। माझा प्रांत के सिखों ने गुरुजी के संदेश भेजा कि आपने
हुकुम से टक्कर लेकर उचित नहीं किया। अब भी यदि आप चाहो तो हम बादशाह से आपकी सुलह करवा देते हैं। गुरुजी ने उत्तर दिया, भाई आप कुछ गलती पर हो रहे होने में संसार में आप कुछ गलती पर हो। मैं संसार में राज्य सुख के लिए नहीं आया, मैं तो पिता के पद चिन्हों पर चलकर धर्म मर्यादा पालन करूँगा। तो उन मेजक सिखों के होश ठिकाने आ गए। इधर सुबह सरहद बहुत सी सेना लेकर गुरुजी से लड़ने को चली। तब यह मेज सिंह क्रोध में आ गए। उन्होंने प्रण किया और कहा, सुरा सो पहचानिए, जो लड़े दिन के हेतु, पूजा पूजा कट मरे, कबू न छाड़े खेत। अर्थात जब एक दिन निश्चय मरना है तो क्यों ना गुरुजी के लिए ही यह निशावर शरीर त्याग दिया जाए। इस विचारों के केवल 40 पुरुष और एक स्त्री जिसका नाम माई भागो था, यही मैदान में गरजे। यह कि पवित्र भूमि जहाँ मुस्तसर बसा हुआ है, यह धरती निर्जन कटक पूर्ण बन था। यहाँ मोर्चा लगाकर 40 वीर छुप कर बैठ गए। इधर मुसलमान सेना जब निकट आई तो बहादुर सिंहों ने बंदूक दाग दी। मुगल फौज घबरा गई। अब महान संग्राम आरंभ हो गया। उधर हजारों और इधर गुरु के 40 सिख सिपाही थे। सिंह वीर तलवारों लेकर वीर सेना के टुकड़े टुकड़े करने लगे। उधर गुरुजी ऊंचे स्थान पर बैठकर यह दृश्य देख रहे थे तथा अपनी ओर से भी कुछ वीर भेजे और स्वयं भी तीरों का बौछार करने लगे। अंत में सुबह सरंद अपने अनेकों साथी यह यमलोक भिजवा कर भाग गए, क्योंकि उस स्थान में 30 कोस की दूरी पर ही जल मिल सकता था। एक क्षण निकट था जो गुरुजी के अधिकार में था। इसके अतिरिक्त गुरुजी की शेर वृष्टि ने मुसलों के पांव उखाड़ दिए और भाग निकले। इस संग्राम में 40 सिंह बलिदान हुए। गुरुजी अब उन वीरों के निकट जाकर अपने दोपते से उन वीर गति प्राप्त योद्धाओं के मुख पोंछने लगे तथा धन धन शब्द उच्चारण करने लगे तथा 5,000 10,000 यह पदवीत्र श्री मुख से प्रदान की। इनमें महासिंह नाम का एक योद्धा अभी शिक्ष रहा था। गुरुजी ने उसके मुख में जल डाला। जब उसे कुछ होश हुआ तब गुरुजी ने कहा, हे वीरवर, कुछ वर मांगो। उसने कहा, हे महाराज, आनंदपुर में जो भूल से सिखों ने बेताब लिखा था वह क्षमा करके फाड़ दो और टूटी हुई फिर जोड़ लो, बस मैं यही चाहता हूँ। तब गुरुजी प्रसन्न हुए। धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी, धन गुरु गोविंद सिंह जी, धन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जिनका बलिदान दिया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।